नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप गर्ल का चित्र बनाना सिखाएंगे। बस आपको करना क्या होगा दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर आप पेपर पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। इस तरह आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो दोस्तों उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर के साइड से आप ऐसे हल्का हल्का हाफ सर्कल बना दीजिएगा। इस तरह हाफ सर्कल बनाइएगा। हाफ सर्कल बनाने के बाद दोस्तों इसको आपको ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा। यहाँ से ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए अंदर की तरफ घुमा दीजिएगा। अब आपको इधर से ऐसे डबल करना होगा, यहाँ से ऐसे ले जाइएगा और इसको हमें ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए मिला देना होगा। मिलाने के बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप बहुत ही सावधानी, अब दोस्तों आप यहां से एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा हल्का सा बाहर की तरफ करते हुए, एक लाइन इधर से आप ऐसे मिला दीजिएगा। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां से आपको करना क्या होगा, इधर से आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हुए आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। इसको हमें ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे बढ़ाना होगा। अब देखिएगा दोस्तों, इसको हो जाने के बाद इधर से एक लाइन ड्रॉ करिएगा, एक लाइन हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा, एक लाइन इधर ड्रॉ कर दीजिएगा। इसका यूज करते हुए आप ऐसे ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करिएगा, हल्का सा हाफ सर्कल बनाइएगा, फिर ऊपर की तरफ बनाइए, इधर से आप नीचे की तरफ इसको और आगे की तरफ बढ़ाइए, फिर यहाँ से आप ऐसे ऊपर की तरफ मिला दीजिए। इधर से हाफ सर्कल बनाइएगा, एक हाफ सर्कल यहाँ पर बनाकर ऊपर की तरफ मिला दीजिए, हल्का सा इसको नीचे की तरफ करते हुए इधर एक हाफ सर्कल, इधर एक ऊपर एक नीचे, ऐसा होना चाहिए हमारा। अब देखिएगा, एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा और ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी इसका यूज करते हुए एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, एक सीधी लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। अब हम बनाएंगे इस गर्ल का यहाँ पर लेग। एक हाफ सर्कल यहाँ पर बनाइए हल्का सा, फिर इसके अंदर की तरफ करिएगा, फिर आपको ऐसे हल्का सा बाहर की तरफ ले जाना होगा। बाहर की तरफ करने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए, फिर एक लाइन यहाँ पर हल्की सी लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर आपको इधर से हाफ सर्कल बनाना होगा। हल्का सा बनाइएगा हाफ सर्कल, एक हल्की सी लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करिए और इसको हम डबल कर देंगे। सेम प्रोसेस आप इधर भी रिपीट करिएगा, लेकिन आप यहाँ पर हल्का सा हाफ सर्कल बनाएंगे, पूरा नहीं बनाना होगा हमें। यहाँ पर ऐसे करिए और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करिए और यहाँ पर भी आप ऐसे इसको डबल कर दीजिएगा। अभी हम इसको पेंसिल या मार्कर की हेल्प से आपको शेड भी करना सिखाएंगे दोस्तों, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा वीडियो को। इधर से देखिएगा, यहाँ से आपको इस गर्ल का हैंड बनाना होगा। बाहर की तरफ हैंड ले जाइएगा हल्का सा, इधर से भी आप ऐसे हल्का सा बाहर की तरफ करते हुए नीचे की तरफ झुका दीजिएगा, फिर आपको ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऐसे ले जाना है, फिर यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ कर दीजिए। बाहर की तरफ करने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिएगा, अब आपको इधर से डबल करना होगा ऐसे ऊपर की तरफ। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। इरेज कर दीजिएगा आप भी। अब देखिएगा, यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, आगे की तरफ बढ़ाइएगा, फिर आप ऐसे अंदर की तरफ हल्का सा अंदर की तरफ ले जाइएगा। इधर से आप ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे करिए और हमें आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ाना होगा और आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। इधर से आप नीचे की तरफ कर दीजिए और हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए आप यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा। इसी तरह आपको इधर भी रिपीट करना होगा दोस्तों, एक लाइन इधर ड्रॉ करिएगा, ऊपर वाला तो हमारा बन गया, यहाँ पर ऐसे करिए, फिर ये हल्की सी सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर यहाँ से आप ऐसे नीचे की तरफ मिला दीजिए। इधर से आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल करना होगा, अंदर की तरफ थोड़ा सा और पतला कर दीजिएगा। इधर भी आप इसको इरेज कर दीजिएगा, इसीलिए हम पेंसिल से बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ से आप ऐसे मिला दीजिएगा। ये थोड़ा हैंड हमारा थोड़ा सा मोटा हो गया है, इसको हम थोड़ा सा और पतला कर देते हैं और इरेज कर दीजिए पेंसिल की इरेजर की हेल्प से। यहाँ पे हल्का सा अंदर की तरफ ले जाइएगा, फिर आप ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हुए यहाँ पे ऐसे मिला दीजिएगा। अब सही लग रहा है हमारा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस गर्ल को पेंसिल या मार्कर की हेल्प से शेड देना शुरू करते हैं।